पहली मीटिंग में हिसार से शुरू कर रहा हूँ। हिसार और फतेहाबाद दो जिलों के आप ये समझे कोई 30 पंचायत हैं जिसमें 600-700 आदमी होंगे, वो इसी 5 तारीख को मैंने हिसार में बुलाई है। उसमें हम कर रहे हैं कि जो किसान है उन्हें थोड़ा सा मैं अपने तरीके से मोटिवेट करूँगा कि आपको बिल भरने की आदत डालनी चाहिए। आप, मैं किसान का बेटा हूँ, तुम्हें ट्रांसफार्मर चाहिए मेरे से जो ट्रक भर के ले आऊँगा, तुम्हें बिजली की लाइनें चाहिए, कुछ जो फैसिलिटीज़ है मैं सारी दूंगा, पर आप ये करें जैसे बाकी जिलों में सब्जी के लोग बिल भर रहे हैं, थोड़ा आप बिल भर रहे हैं कि ताकि हमने अपने पास से तो बिजली हम भी तो आपसे लेके ही चलाएँगे, हम नो लॉस नो प्रॉफिट पर दे सकते हैं, पर बिजली तो पैदा हम ही करेंगे, उनसे तो नहीं होगी। तो कल को हम ऐसी कंडीशन भी सरकार करने जा रही है कि जैसे MLA का चुनाव लड़ते हैं, जिला परिषद का, सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, उन्हें नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो नो ड्यू सर्टिफिकेट लेंगे उसमें कल को ये कंडीशन भी आ जाएगी कि उन्हीं के बच्चे कम्पीट कर सकेंगे एग्ज़ाम में जिनके घर में बिल भरे होंगे, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। इस करके मेरा भाईचारे में आपसे निवेदन है कि आप गाँव के चेहरे हो, गाँव में लोगों को समझाओ कि हमें बिल भरने चाहिए। जैसे सारी बिजली के बिल पर मैं 24 घंटे तुम्हें बिजली दूंगा, जब हम पे लाइन लॉस निकल जाएगा तो मैं भी सोचूंगा कि कुछ आपका रेट्स भी जितने हम कम कर सकें वो करें। तो एक भाईचारा में सामाजिक तरीके से मैं उन्हें मोटिवेट करके समझाने के करूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मानेंगे। इलेक्ट्रिकल मीटर को लेकर के इलेक्ट्रिकल मीटर लगाने की योजना जी सरकार की जी, काम कहाँ तक पहुँचे, कब तक इलेक्ट्रिकल मीटर है वो लगाए जाएंगे? मीटर तो ये लग रहे हैं जी, वो मेरे ख्याल में उसमें आपके जो रिचार्ज करवाया जा सकेगा एक कूपन से। देखिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, देखिए आजकल हर घर बिजली से जुड़ा है, चाहे कोई भी मामला, खेती का मामला है तो बिजली से जुड़ा है, घर में दही बिलोने का मामला है तो बिजली से जुड़ा है, घर में पंखा दिन रात, मतलब बिजली जो है वो आज का दूसरा सूरज बन गया। तो इस मामले में थोड़ा सा हमें फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखनी पड़ेगी कि क्या है, लोगों का विश्वास भी रहे, हमारा रेवेन्यू लॉस भी नहीं हो, ये दोनों बातें मद्देनजर रख के फिर हम करेंगे। अपने ऑफिसर से डिस्कस करूँगा, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग अपनी सिचुएशन है, वो भी सारा मुझे असेस करना पड़ेगा। तो साहब आपने ट्यूबवेल कनेक्शन का भी अनाउंस किया है, क्या मार्च तक सारे कनेक्शन दे दिए जाएंगे? अप्रैल तक भाई, एंड ऑफ अप्रैल हम कर देंगे। मेरे ख्याल में टोटल जो वैसे तो लोगों ने कराया 82,000 ने अप्लाई, 82,000 लोगों ने, जब ज्वाइंट पंजाब था जिसमें पाकिस्तान से पार्टीशन से पहले की बात करता हूँ, जिसमें लाहौर और ये मुल्तान ये भी पंजाब का हिस्सा था, पंजाब हरियाणा हिमाचल उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी उस पंजाब में आता था, उसमें 1600 ट्यूबवेल थे, आज जो है वो 12 लाख से भी ऊपर ट्यूबवेल लग गए। जब इतनी बड़ी संख्या में लग गई, हर जगह रोज नए ट्यूबवेल लगते हैं, तो उसके लिए आपको पावर का भी इंतजाम करना पड़ता है। 82,000 लोगों ने अप्लाई करे, जिनमें पैसा जो भरा था वो 6,650 लोग हैं जिन्होंने पूरा पैसा डिपॉजिट कर दिया था, सिक्योरिटी का भी, मोटर का भी और पोल्स का भी, उनको हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी तक हम 2700 दे देंगे, जो रिमेनिंग है वो हम अप्रैल के एंड तक, मतलब जो अब तक जिनके सब पैसा दिया हुआ है वो हम कर देंगे। जिलों में भी ऑर्गेनिक खेती की सरकार योजना बना रही है, गया हूँ मैं जाके अभी हमारे मान जो महामहिम गुजरात हैं जी, उन्होंने गुरुकुल में बहुत अच्छा एक सेटअप बना रखा है जी, मैंने उसे विजिट किया था, मैं उसमें मैंने अध्यक्षता करी थी, वो चीफ गेस्ट थे, और मैंने मेरे ADGP जेल और IG दूसरे स्टूडेंट जेलों को बुलाए थे, हमने वहाँ डेमोस्ट्रेशन भी देखा, उनके वहाँ सारे जो करा हुआ है उसको, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और हमारे जितने ऑफिसर थे सब प्रभावित हैं। जेल के साथ जो ज़मीनें पड़ी हैं, किसी पे 10 एकड़ है, किसी 20 है, किसी पे 30 भी है, वो फर्दर एक्सपेंशन के लिए खाली पड़ी, अभी मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन ज़मीनों में मैं चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक खेती कोई खाद की करें। हमें लेबर की दिक्कत है नहीं, जेलों में हर जेल में 1500, 2000, 3000 आदमी हैं, तो उसे करेंगे। मैं समझता हूँ कि काफ़ी जेल के लिए फ़ायदेमंद है और उन लोगों के लिए भी एक काम मिलेगा अच्छे, अगर इसमें जितने लोग सीखेंगे उतना ये बढ़ेगा। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल में दुगनी किसान की पैदा कर देंगे, तो मैं तो उससे बहुत प्रभावित हूँ जो हुआ है। तो सब ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर आए, उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनती तो दुष्यंत मुख्यमंत्री होते, क्या लगता है दुष्यंत को डिप्टी CM बनाया गया है, इसको लेकर के जो चौटाला साहब ने जो बात कही है उसमें कहीं कोई आपको लगता है कि इनेलो की सरकार बन सकती थी हरियाणा में और दुष्यंत को मौका मिल सकता था? देखिए मैं उसका नहीं कहूँगा, ये इफ और बट की बातें हैं, इसमें कई संभावनाओं का खेल है, होता नहीं होता जी। ओम प्रकाश जी सुप्रीमो थे पार्टी का जी,
अब उन्होंने ये कहा है दुष्यंत के लिए कहा है, तो आपस में एक परिवार का मामला, मैं उसमें ज़्यादा नहीं उलझना चाहता। मैं समझता हूँ कि परिवार में आपस में कोई कमेंट नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है, कि हम लोग हमसे परिवार की बातें नहीं सुनना चाहता। वो सुनना चाहते हैं कि हम उनके लिए क्या करें, हम अब सरकार में आ रहे हैं, हमें डिलीवरी रेट देना चाहिए कि लोगों के हम काम को कर सकें, हम किसानों की बात कर सकें। उन्होंने कहा था कि जल्दी कर ली दुष्यंत ने बीजेपी के लिए, मैं उसको मुख्यमंत्री बनाता, आज वो मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश जी चंडीगढ़ में 3 तारीख को ही आएंगे, आप उनसे पूछ लें, वो ठीक है इस पर बताएंगे। उन्होंने हिसार और फतेहाबाद दो जिलों के, आप ये समझे कोई 30 पंचायत हैं जिसमें 600-700 आदमी होंगे, वो इसी 5 तारीख को मैंने हिसार में बुलाई है। उसमें हम कर रहे हैं कि जो किसान है उन्हें थोड़ा सा मैं अपने तरीके से मोटिवेट करूंगा कि आपको बिल भरने की आदत डालनी चाहिए। आप, मैं किसान का बेटा हूं, तुम्हें ट्रांसफार्मर चाहिए मेरे से जो ट्रक भर के ले आऊँगा, तुम्हें बिजली की लाइनें चाहिए, कुछ जो फैसिलिटीज़ है मैं सारी दूंगा, पर आप ये करें जैसे बाकी जिलों में सब्जी के लोग बिल भर रहे हैं, थोड़ा आप बिल भर रहे हैं कि ताकि हमने अपने पास से तो बिजली हम भी तो आपसे ले कर ही चलाएँगे, हम नो लॉस नो प्रॉफिट पर दे सकते हैं, पर बिजली तो पैदा हम ही करेंगे, उनसे तो नहीं होगी। तो कल को हम ऐसी कंडीशंस भी सरकार करने जा रही है कि जैसे MLA का चुनाव लड़ते हैं, जिला परिषद का, सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, उन्हें नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो नो ड्यू सर्टिफिकेट लेंगे उसमें कल को ये कंडीशन भी आ जाएगी कि उन्हीं के बच्चे कम्पीट कर सकेंगे एग्ज़ाम में जिनके घर में बिल भरे होंगे, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। इस करके मेरा भाईचारे में आपसे निवेदन है कि आप गांव के चेहरे हो, गांव में लोगों को समझाओ कि हमें बिल भरने चाहिए, जैसे सारी बिजली के बिल पर मैं 24 घंटे तुम्हें बिजली दूंगा, जब हम पे लाइन लॉस निकल जाएगा तो मैं भी सोचूंगा कि कुछ आपका रेट्स भी जितने हम कम कर सकें वो करें। तो एक भाईचारा में सामाजिक तरीके से मैं उन्हें मोटिवेट करके समझाने के करूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मानेंगे। इलेक्ट्रिकल मीटर को लेकर के, इलेक्ट्रिकल मीटर लगाने की योजना है सरकार की, जी काम कहाँ तक पहुँची, कब तक इलेक्ट्रिकल मीटर है वो लगाए जाएंगे? मीटर तो ये लग रहे हैं जी, वो मेरे ख्याल में उसमें आपके जो रिचार्ज करवाया जा सकेगा एक कूपन से। देखिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, देखिए आजकल हर घर बिजली से जुड़ा है, चाहे कोई भी मामला, खेती का मामला है तो बिजली से जुड़ा है, घर में दही बिलोने का मामला है तो बिजली से जुड़ा है, घर में पंखा दिन, मतलब बिजली जो है वो आज का दूसरा सूरज बन गया। तो इस मामले में थोड़ा सा हमें फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखनी पड़ेगी कि क्या है, लोगों का विश्वास भी रहे और हमारा रेवेन्यू लॉस भी नहीं हो, ये दोनों बातें मद्देनज़र रख के फिर हम करेंगे। अपने ऑफिसर से डिस्कस करूँगा, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग अपनी सिचुएशन है, वो भी सारा मुझे असेस करना पड़ेगा। जो साहब आपने ट्यूबवेल कनेक्शन का भी अनाउंस किया है, क्या मार्च तक सारे कनेक्शन दे दिए जाएंगे? अप्रैल तक भाई, एंड ऑफ अप्रैल हम कर देंगे। मेरे ख्याल में टोटल जो वैसे तो लोगों ने कराया 82,000 ने अप्लाई, 82,000 लोगों ने, जब ज्वाइंट पंजाब था जिसमें पाकिस्तान से पार्टीशन से पहले की बात करता हूँ, जिसमें लाहौर और ये मुल्तान ये भी पंजाब का हिस्सा था, पंजाब हरियाणा हिमाचल उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी उस पंजाब में आता था, उसमें 1600 ट्यूबवेल थे, आज जो है वो 12 लाख से भी ऊपर ट्यूबवेल लग गए। जब इतनी बड़ी संख्या में लग गई, हर जगह रोज नए ट्यूबवेल लगते हैं, तो उसके लिए आपको पावर का भी इंतजाम करना पड़ता है। 82,000 लोगों ने अप्लाई करे, जिनमें पैसा जो भरा था वो 6,500 लोग हैं जिन्होंने पूरा पैसा डिपॉजिट कर दिया था, सिक्योरिटी का भी, मोटर का भी और पोल्स का भी, उनको हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी तक हम 2700 दे देंगे, जो रिमेनिंग है वो हम अप्रैल के एंड तक, मतलब जो अब तक जिनके सब पैसा दिया हुआ है वो हम कर देंगे। जिलों में भी ऑर्गेनिक खेती की सरकार योजना बना रही है, गया हूँ मैं जाके अभी, हमारे मान जो महामहिम गुजरात हैं जी, उन्होंने गुरुकुल में बहुत अच्छा एक सेटअप बना रखा है जी, मैंने उसे विजिट किया था, मैं उसमें मैंने अध्यक्षता करी थी, वो चीफ गेस्ट थे, और मैंने मेरे ADGP जेल और IG दूसरे स्टूडेंट जेलों को बुलाए थे, हमने वहाँ डेमोस्ट्रेशन भी देखा, उनके वहाँ सारे जो करा हुआ है उसको, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और हमारे जितने ऑफिसर थे सब प्रभावित हैं। जेल के साथ जो ज़मीनें पड़ी हैं, किसी पे 10 एकड़ है, किसी 20 है, किसी पे 30 भी है, वो फर्दर एक्सपेंशन के लिए खाली पड़ी, अभी मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन ज़मीनों में मैं चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक खेती कोई खाद की करें, हमें लेबर की दिक्कत है नहीं, जेलों में हर जेल में 1500, 2000, 3000 आदमी हैं, तो उसे करेंगे, मैं समझता हूँ कि काफ़ी जेल के लिए फ़ायदेमंद है और उन लोगों के लिए भी एक काम मिलेगा अच्छे, अगर इसमें जितने लोग सीखेंगे उतना ही ये बढ़ेगा। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम
अगले 5 साल में दुगनी किसान की पैदा कर देंगे, तो मैं तो उससे बहुत प्रभावित हूँ जो हुआ है। तो सब ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर आए, उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनती तो दुष्यंत मुख्यमंत्री होते, क्या लगता है दुष्यंत को डिप्टी सीएम बनाया गया, इसको लेकर के जो चौटाला साहब ने जो बात कही है उसमें कहीं कोई आपको लगता है कि इनेलो की सरकार बन सकती थी हरियाणा में और दुष्यंत को मौका मिल सकता था? देखिए, मैं उसका नहीं कहूँगा, ये इफरबट की बातें हैं, इसमें कई संभावनाओं का खेल है, होता नहीं होता जी। ओम प्रकाश जी सुप्रीमो थे पार्टी का जी, अब उन्होंने ये कहा है दुष्यंत के लिए कहा है, तो आपस में एक परिवार का मामला, मैं उसमें ज़्यादा नहीं उलझना चाहता। मैं समझता हूँ कि परिवार में आपस में कोई कमेंट नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, कि हम लोग हमसे परिवार की बातें नहीं सुनना चाहता, वो सुनना चाहते हैं कि हम उनके लिए क्या करें। हम अब सरकार में आ रहे हैं, हमें डिलीवरी रेट देना चाहिए कि लोगों के हम काम को कर सकें, हम किसानों की बात कर सकें। उन्होंने कहा था कि जल्दी कर ली दुष्यंत ने बीजेपी के लिए, मैं उसको मुख्यमंत्री बनाता, आज वो मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश जी चंडीगढ़ में 3 तारीख को ही आएंगे, आप उनसे पूछ रहे वो ठीक है इस पर बताएंगे, उन्होंने पूरी स्टडी कर रखी है, वही बताएंगे।